हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैन के दोनों तरफ सप्लाई आ रही है। जी हां, फैन में जहां पे हम सप्लाई इनकमिंग कनेक्ट करते हैं वहां पे फेस न्यूट्रल दोनों में सप्लाई आ रही है। क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड, आज जो हमारे पास कंप्लेंट आया है इस पंखे में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों तरफ करंट आ रहा है। चलिए आपको पहले मैं दिखला देता हूँ क्या एक्चुअली इस पंखे में प्रॉब्लम है। जहाँ हमारी इनकमिंग लाइन रहती है वहाँ भी देखिए टेस्टर में, हमें मालूम है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए एक तरफ फेस और एक तरफ न्यूट्रल चाहिए रहती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे दोनों तरफ सप्लाई आ रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वही मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों में सप्लाई है, इसका मतलब इसके सामने वाले में भी सभी पिन में सप्लाई आ रही है। इसमें क्या गलती है और क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से हम ठीक करेंगे वो मैं आपको बतलाता हूँ। कभी भी क्या होता है, जब भी कोई वायर ब्रेक होता है तो जब फेस की वायर ब्रेक होती है तो हमें तो तुरंत मालूम पड़ जाता है क्योंकि सप्लाई आ नहीं रही रहती है, क्योंकि सप्लाई आती ही नहीं है। लेकिन जब न्यूट्रल की वायर ब्रेक होती है तो क्या होता है, रिटर्न सप्लाई आता है और वो दोनों में सप्लाई बतलाने लगता है। तो इस पंखे में भी वही प्रॉब्लम है, इसकी न्यूट्रल ब्रेक हो चुकी है। तो न्यूट्रल ब्रेक हो चुकी है वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया दोनों तरफ सप्लाई आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पंखे के ऊपर आप देखोगे वहाँ पे कनेक्शन आया हुआ रहेगा, वहाँ पे चेक कीजिए कि वहाँ पे भी क्या दोनों में सप्लाई आ रहा है। तो हमें वहाँ पे भी चेक करना है, तो मैं देख लेता हूँ तो हमारे दोनों वायर में वहाँ पे सप्लाई आ रहा है या नहीं वो मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो ये देखते हैं, ये देखिए फेस में तो सप्लाई आ रहा है, आपको शायद अंधेरा करता हूँ दिखाई देगा। ये देखिए फेस में सप्लाई आ रहा है और न्यूट्रल में सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ की सप्लाई ओके है और यहाँ से जो यहाँ के बीच की वायर है इसमें न्यूट्रल ब्रेक है। इसलिए यहाँ पे जब सप्लाई यहाँ पहुँच रही है, ये देखिए कुछ इस तरह से सप्लाई जब यहाँ पहुँच रही है तो यहाँ से फैन के कॉइल के ज़रिए रिटर्न सप्लाई यहाँ आ रही है। यहाँ पे टेस्टर जल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जो न्यूट्रल की वायर है वो ब्रेक है, उसे हम चेंज करेंगे और फैन हमारी चालू हो जाएगी। तो मैं पंखे के बटन को अभी बंद कर देता हूँ और ये बीच की वायर को चेंज कर लेते हैं। पंखे का बटन मैंने बंद कर लिया और ये बीच की वायर हम चेंज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। तो सब हमें नीचे ऊपर दोनों तरफ की वायर को डिस्कनेक्ट करके रिमूव कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो वायर हमें इसमें डालनी है वो वायर लेंगे, उसे छिल के हम इस तरह कुछ इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे और उसमें हम अच्छी तरह से टेप मार लेंगे। धीरे धीरे वायर ऊपर से पुश करना है और नीचे से खींचना है कुछ इस तरह से। ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, मैंने रेड वाले वायर में ये उस वायर को ज्वाइंट मारा है तो ब्लैक वाले वायर को हम पहले निकाल लेंगे। तो मैं पहले ब्लैक वाले वायर को पूरी तरह से निकाल लेता हूँ तो पाइप थोड़ा खाली हो जाएगा। ये मैंने ब्लैक वाले वायर को निकाल दिया। अब रेड वाले वायर में हमने वायर बांधा है तो इसे धीरे धीरे ऊपर से पुश करेंगे और नीचे से खींचेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए नीचे से हमारी वायर आ गई, नीचे से हमारी वायर आ गई कुछ इस तरह। अब हमें इसे नीचे कनेक्ट कर लेना है तो मैं वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर से नीचे तक हमने वायर डाल ली, अभी इसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे कनेक्टर में, और कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे और हमारी जो न्यूट्रल की ब्रेक वायर थी वो रिमूव हो गई। अब ये नया वायर हम उसमें कनेक्ट करेंगे और हमारी फैन चालू हो जाएगी। तो पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। वायर को अच्छी तरह से टाइट करेंगे, लूज कनेक्शन हमें नहीं रखना है। ये देखिए हमने वायर को कनेक्ट कर ली। अब कनेक्ट करने के बाद क्या, हमें ऊपर इस वायर को जोड़ लेना है तो हम ऊपर में भी इस वायर को जोड़ लेते हैं। ये
ये देखिए, हमने इसे ऊपर वायर जोड़ लिया, नीचे हमारे दोनों में सप्लाई आ रही थी, वो किस लिए आ रही थी वो मैंने बता दिया। अब हम इसे बटन चालू करूँगा तो हमारा ये पंखा घूमने लगेगा। तो इसे मैं पहले इस तरह से उठा लेता हूँ और इसकी बटन चालू करता हूँ। ये देखिए, पंखा हमारा रन कर गया। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नए नए वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी।